हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मक्खन से घी कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा मक्खन है और इसको हम घी बनाने जा रहे हैं इसका। तो पहले इसके लिए क्या करते हैं, हमें एक बड़ा बर्तन लेना है, क्योंकि जब आप मक्खन बनाएंगे तो जब ये गर्म होगा तो ये उफान मारता है, उबलता है। जैसे दूध उबलता है वैसे ही ये उबलता है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि बड़ा बर्तन हो, उबलने पर ये निकले ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे किसी बड़े बर्तन में ले लेते हैं और उसके बाद फिर इसे गैस पे रखेंगे। तो गैस पे रखते हैं, चलिए और इसके लिए ध्यान रखें। इसमें उबाल आ रहा है और आपको इसे चलाते रहना है बीच बीच में, ताकि ये नीचे से लग जाए, नहीं तो आपका भगोना बिल्कुल जल जाएगा। इसे धोने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये बिल्कुल भी इसे चलाते रहें, बिल्कुल भी लगे ना ये नीचे से। और इस तरह से घी बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि हमारा घी खराब नहीं होता। मतलब घी क्या होता है, कभी कभी स्मेल आने लगती है, और जब उसमें स्मेल आती है तो हम लोग उसे खा नहीं पाते, जानते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपका घी बहुत अच्छा बनेगा और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, उसकी जो सुगंध होगी वो बहुत अच्छी होगी। और एक बात का ध्यान रखें कि जब घी बनाए तो घी को हमेशा या तो स्टील के कंटेनर में या फिर कांच के कंटेनर में, अगर आप प्लास्टिक के कंटेनर में घी रखते हैं तो ख़राब नहीं होता है। ये हमारा घी है, ये एक साल पुराना घी है, लेकिन फिर भी बिल्कुल अच्छा है, कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल सही है घी। तो आप रखें घी तो उसके स्टील के कंटेनर में रखें या कांच के कंटेनर में रखें, और स्टील का ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि कांच के कंटेनर में क्या होता है, टूटने का डर रहता है, इसलिए स्टील के कंटेनर में रखें। और थोड़ा बहुत घी अगर है तो उसे आप रख सकते हो कांच के कंटेनर में, लेकिन उसके लिए बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कि कहीं गिर ना जाए, तो इस वजह से स्टील के कंटेनर में ही रखें। तो ये घी बनने वाला है और आप लोग देख सकते हैं कि घी बन चुका है। और सबसे पहली बात तो आपको घी कब तक पकाना है, जब तक ये जो नीचे इसमें रहता है ये हल्का सा लाल ना हो जाए, ये हल्का सा लाल हो जाएगा, पक जाएगा, तब तक आपको घी को पकाना है। इसमें नीचे जो ये मक्खन में निकलता है ये लाल होने तक आपको पकाना है, और तब तक आप चलाते रहिए, नहीं तो ये चिपक जाएगा भगोने में आपके बर्तन में। तो ये घी बनने वाला है, और जब घी बन जाए तो आप उसे ठंडा करके और
छान के रख दीजिए। तो ये बस अब हमारा घी बन चुका है, ऐसे इसमें झाग जैसे आने लगते हैं और ये नीचे ये जो इसमें होता है ये लाल हो जाता है। तो ऐसे ही बनाना है आपको। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।